स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर भोपाल में राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव का गुरुवार को समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रदेश के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। बाल रंग महोत्सव की थीम आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप प्रदेश के विभिन्न संभागों के प्रतिभागी विद्यार्थी ने अपने जिले के संस्कृति, वेशभूषा, नृत्य और खान पान की विभिन्न मंचों पर प्रदर्शित किया। राजधानी के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में राष्ट्रीय बाल रंग 3 दिवसीय महोत्सव का गुरुवार को समापन हुआ। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में समापन दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह भी रखा गया। लोक शिक्षण संचालनालय के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 3 दिन के बाल रंग महोत्सव में बच्चों ने अपनी कला संस्कृति की शानदार प्रस्तुति दी। विभाग द्वारा उन सभी बच्चों को पुरस्कार दिया गया। संदेश तो जो कुछ भी हो सकता था वो मैंने देने की कोशिश की कि बाल रंग केवल 2-4 दिन 5 दिन के लिए नहीं, बाल रंग में जो कुछ भी आप प्रस्तुत करते हैं, कोई पारंपरिक नृत्य है, संगीत है, गीत है, शिल्प है, चित्र है, पूरे जीवन के लिए उसको अपने साथ रखना, उसमें कुछ सीखना और वो एक धरोहर है जो तुम्हारे साथ रहेगी, जो इस बात की पहचान होगी कि तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारी भूमि क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है, तुम्हारी परंपरा क्या है। जो लोग इस चीज को भूल जाते हैं वो तो मतलब मैं नहीं समझता कि कभी भी एक ऐसे आदमी बन सकते हैं जो सुखद स्मृतियों से भरे हुए हों, है ना। वो डरावने सपनों से भर जाते हैं, है ना, वे तनाव में हैं, वे डिप्रेशन में हैं। जो आदमी नाचना जानता है उसको कभी कोई डिप्रेशन नहीं होता। जो आदमी सुंदर गाना जानता है वो आदमी कभी तनाव में नहीं होता, है ना। तो ये चीजें तो जीवन भर की शिक्षा हैं, इनको अपने साथ रखने की जरूरत है। बच्चों को यही बताना है कि 2-4 दिन 5 दिन का बाल रंग का सवाल नहीं है, तुमने जो कुछ भी सीखा और प्रस्तुत किया है उसको पूरे जीवन एक विरासत की तरह अपने पास रखना। के और यूनियन टेरिटरीज के बच्चे शामिल हुए हैं, 500 के करीब प्रतिभागी बाहर से आए और भोपाल में जिन बच्चों ने अटेंड किया, करीब 10,000 बच्चों ने प्रतिदिन इसको यहाँ पर इसमें भाग लिया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हुआ जिसमें हमें पूरे देश की संस्कृति, क्विजीन, परंपराएं, बहुत सुंदर आर्ट क्राफ्ट, इनका दर्शन देखने को मिला। तरह तरह की प्रदर्शनियां इसमें लगाई गई थी जो विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों पर, उनके जो फूड की जो परंपराएं हैं उस पर थी। और एक हमने स्पेशल प्रदर्शनी इस बार लगाई जो उद्यम के हमारे जो पार्टनर है उनके थ्रू लगाई थी हमने, जिसमें तेजस्वी विक्रय केंद्र बनाए गए थे जिसमें बच्चों ने ये भी सीखा कि किस तरह से वो अपनी बनाई हुई जो रचनाएं हैं उनका किस प्रकार वो बिजनेस कर सकते हैं, इसकी भी एक प्रारंभिक ट्रेनिंग उनको दी गई। अनुगूंज में जो हमने बनाए थे, कलाकारों ने हमारे वर्कशॉप्स किए थे, उसमें जो आइटम्स बने उनको भी हमने यहाँ एग्जिबिट किया और विवेकानंद लाइब्रेरी के सहायता से हमने यहाँ पर बहुत सारी लिटरेरी एक्टिविटीज भी कराई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर कपिल तिवारी, अमिताभ पांडे, निदेशक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल, साथ ही आयुक्त लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की गरिमा अनुभा श्रीवास्तव मौजूद रही। ईएमटी न्यूज़ भोपाल।